वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टारगेट एलटी कमीशन 2022 के अंतर्गत अगला पार्ट। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, शिवसिंह सेंगर तथा ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों को वृत्त संग्रह किसने कहा था? तो जो शिवसिंह सेंगर और ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों को वृत्त संग्रह कहा गया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिवृत्तात्मक और तुलनात्मक लेखन किस ग्रंथ में हुआ है? तो ये हुआ है मिश्र बंधु विनोद में। जो मिश्र बंधु विनोद है, इसमें इतिवृत्तात्मक और तुलनात्मक लेखन किया गया है मिश्र बंधुओं के द्वारा। अगला प्रश्न है यहाँ पर तीन, इसमें पूछा गया है हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में किसने किया है? तो ये किया गया है जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास में जो हिंदी साहित्य के इतिहास को चारण काव्य, धार्मिक काव्य और प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के तौर पर निर्धारित किया है। आगे है चार, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन के रचयिता कौन है? तो जो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ है, इसके रचयिता हो जाएंगे नलिन विलोचन शर्मा। अगला प्रश्न है यहाँ पर पांच, इसमें पूछा गया है हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं ग्रियर्सन हैं, ये कथन किसका हो जाएगा? तो ये कथन भी हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा का। नलिन विलोचन शर्मा कहते हैं हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं ग्रियर्सन हैं। कथन महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सर्वाधिक सहायता किस ग्रंथ से ली थी? तो ये ली थी शिवसिंह सरोज से। ये प्रश्न सीधा सीधा बनता है कि जो शिवसिंह सरोज है, ये हिंदी साहित्य का या हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ है, इसे याद रखिएगा। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है और इसके रचनाकार का नाम है शिवसिंह सेंगर। अगला प्रश्न है सात, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किस ग्रंथ को कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है शिवसिंह सरोज को। अगला प्रश्न है, इस्तवार द ला लित्रोत्तर एंदू या हिंदुस्तानी के प्रथम भाग में 738 कवि और लेखक हैं, इनमें हिंदी कवियों की संख्या है 72। याद रखिएगा, प्रश्न बनता है कि जो इस्तवार द ला लित्रोत्तर एंदू या हिंदुस्तानी है, इसमें हिंदी कवियों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगी 72 और टोटल कवि हो जाएंगे इसमें 738। और इस्तवार द ला लित्रोत्तर एंदू या हिंदुस्तानी किसका ग्रंथ है? तो ये हो जाएगा आपका गारसा द तासी का। अगला प्रश्न है यहाँ पर नौ, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक माना जाता है गारसा द तासी को, और इनके इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? इस्तवार द ला लित्रोत्तर एंदू या हिंदुस्तानी, और ये किस भाषा में लिखा गया है? और ये लिखा गया है फ्रेंच भाषा में, ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है दस, कालिदास हजारा रचित है, तो बताना है कालिदास हजारा किसके द्वारा रचित है? तो ये कालिदास त्रिवेदी द्वारा रचित है, और इसे गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है, इसका भी आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है ग्यारह, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम माना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा, और स्वयंभू का समय पूछा जाता है, स्वयंभू का समय क्या है? तो यह है 693 ईस्वी। और कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है, स्वयंभू किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो ये जैन संप्रदाय से संबंधित थे। इसके पश्चात जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है इस प्रश्न से, जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, इनके द्वारा अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को भक्ति काल तक ही सीमित रखा गया है, इसके आगे इन्होंने इसे नहीं बढ़ाया है। आपके लिए प्रश्न छोड़ देता हूँ, आपने बताना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ का नाम बताना है। अगला प्रश्न है 12, सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो बताना है किसने माना है? तो सरहप्पा को माना है हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। सरहप्पा सिद्ध संप्रदाय से संबंधित कवि रहे हैं, और जो दोहा कोश है, ये इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है 13, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास को कितने भागों में संकलित किया था? तो ये 10 भागों में संकलित इनके द्वारा किया गया था। इसके पश्चात है 14, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास रचित है,
तो बताना है किसके द्वारा रचित है हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, तो ये अज्ञेय के द्वारा रचित है। इसके पश्चात कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा विद्वान है जिसके द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा गया है, तो विकल्प में अगर आपके समक्ष डॉक्टर नगेंद्र दें तो आप डॉक्टर नगेंद्र के ऊपर टिक करिएगा, क्योंकि जो डॉक्टर नगेंद्र इनके द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा नहीं गया है पर संपादित किया गया है, इसका आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 15, हिंदी साहित्य की कहानी रचित है, तो ये होगी प्रभाकर माचवे द्वारा। आगे है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसके द्वारा रचित है, तो ये गणपति चंद्रगुप्त द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है 17, पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो जो पुष्प या पुंड है इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है डॉक्टर शिवसिंह सेंगर के द्वारा, और इनकी जो रचना है कौन सी है, शिवसिंह सरोज, ये हिंदी भाषा में लिखी गई पहली इतिहास ग्रंथ है। और जो पुष्प कवि का समय क्या है, 613 ईस्वी। अगला प्रश्न है 18, राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि दो कवियों के द्वारा या दो आलोचकों के द्वारा माना गया है, एक तो होंगे चंद्रधर शर्मा गुलेटी और दूसरे होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके द्वारा राजामुंज को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है, और राजामुंज का समय है 993 ईस्वी। अगला प्रश्न है 19, अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। अगला प्रश्न है, अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, अब्दुल रहमान का समय है 12वीं शती। अगला प्रश्न है 20, आदिकाल को चारणकाल नाम किसने दिया, तो आदिकाल को चारणकाल नाम दिया गया था ग्रियर्सन के द्वारा। अगला प्रश्न है 21, शालीभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो शालीभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा, और जो शालीभद्र सूरी हैं इनका समय है 1184 ईस्वी। अगला प्रश्न है 22, विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, बच्चन सिंह के द्वारा विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। आगे है, वीरगाथा काल को आदिकाल नामकरण करने का श्रेय सबसे पहले किसे दिया जाता है, तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को दिया जाता है। आगे तथ्य है, वैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति को अपनाते हुए इसे वीरगाथा काल और आदिकाल नाम दिया था, इसका ध्यान रखना है। आगे है, आदिकाल को शून्यकाल किसने कहा, तो आदिकाल को शून्यकाल कहा था डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा। आगे है, गार्सा दत्तासी ने इस्तवार द ला लित्रेतो एंदू या हिंदुस्तानी को फ्रेंच भाषा में लिखा है, ये मैंने आपको बता दिया था। इसके पश्चात है 26, हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम क्या है, तो ये शिवसिंह सेंगर का शिवसिंह सरोज हो जाएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया था। इसके पश्चात है 27, काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास किसने किया था, तो काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास अपने इतिहास में ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था। आगे है 28, आदिकाल को आदिकाल नाम सर्वप्रथम किसने दिया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। इसके पश्चात है, आदिकाल को बीज बपन काल किसने कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। अगला है, हिंदी काव्यधारा की रचना है, जो हिंदी काव्यधारा की रचना की गई है तो ये राहुल संकृतियन के द्वारा की गई है, इसका भी ध्यान रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण रचना है, अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है।